अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, पूरी क्लीनिंग वगैरह जितनी भी थी ना सारी कर ली है अब। जी हाँ, क्योंकि आज फुल जो है ना हस्बैंड का ऑफिशियल हुआ है। अभी शक्ल दिखाएं, तेरी है शाइनी कर रहे हैं आज तो दोनों ने मिलके ऑफिशियल किया। अभी हम जाएंगे बाहर से खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद लेडीज मार्केट घूमेंगे और लेट्स सी बाकी क्या करते हैं। ग्रॉसरी हम लोग ने कर ली है, अभी हम बाहर से वापस आ रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमने ग्रॉसरी की है। नीचे जाके दिखाती हूँ जी। गर्ल, ये हमने ग्रॉसरी अभी कर ली है, चलो। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं। टाइम क्या हो रहा है पहले टाइम बताती हूँ, पहले जगह बता देती हूँ। मत्तम क्या टाइम है, 2:45 मत्तम पे आए हैं ये वाले पे। यहाँ से देखते हैं कुछ मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है और टाइम वाकई ही 2:45 के करीब हो चुका है। और लेट्स सी हम लोगों को यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि तकरीबन सब शॉप्स बंद हैं। और इसके बाद अभी हम लोगों ने जाना है लेडीज मार्केट में। और फ्लैश लाइट ऑन हो। हाँ जी, ये देखें, सुफरे पे खाएंगे फिर लोग, वो फाहम लेकर आए हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ बैठ के फाहम खाएंगे। फाहम आए और साथ में आज इनका टेस्ट ट्राई करते हैं, मुझे लगता है इनका अच्छा होगा। क्या जी? फाहम का टेस्ट अच्छा होगा आज। अल्लाह करे, डब्बा तो उनका आया है, तो अच्छा ही है। अभी डब्बा तो उन्हीं वालों का है, पेप्सी वालों का। ओ पानी दे नु, पानी दे उबले हुए चावल, पानी दे नु, पानी दे। तो ये रात में से गिराई कूलर चार डब्बा ला रही है। हम वही कहते घर में खाने पड़ेंगे, यहाँ खाने पड़ गए, चलें कोई बात नहीं। ये देखिए, आज है बारबेक्यू और हम लोगों ने तकरीबन मसाला लगा रखा है इसके अंदर। इसमें मलाई बोटी है, ये जो है ना ये टिक्का बोटी है, चेक करें, ज़बरदस्त हो गया है काम। ये लेके जाते हैं पार्क में, वहाँ बैठ के करेंगे बारबी। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट तैयारी डन है। गुल हमीद का फीडर भी ले लिया है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, और साथ में बैग शेक जो है रास्ते में गुल हमीद को तैयार करूँगी। और यहाँ पे जो है ना इसको बंद करती हूँ, उनके वेट करते हैं। देखें जी, हम लोगों की तैयारियां चेक करें, ये फुल बारबेक्यू पार्टी है। तकरीबन 12 लोग, अभी 12 लोग होंगे ना पार्टी में, 12 लोग होंगे। और ये देखें लगे हुए हैं साथ में हम लोग। ये कारपेट लेके जाना है आप लोगों ने, कारपेट भी लेके जाएंगे। फुल तैयारी शैरी हो गई है, लेट्स सी, लगे हुए हैं भाई। टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजे का, 5:30 का उन्होंने हमें टाइम दिया था और हम लोग 6 बजे जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में। हाँ ये भी है, कपड़ों का ध्यान रखना, ये ना हो कि पार्टी में आप लोगों के कपड़े गंदे हो जाएं दोनों के। और ये देखिए मित्र, गुल आप ऐसे क्यों तैयार हुए? गुल ऐसे कौन तैयार होता है? ये शलवार बनाई है, अभी बाकी जो है ना इसको चीजें पहनाने वाली है सारी हैं। ये भी पीछे रखनी है, ये भी पीछे रखनी है। और बस ये सब रेडी, काम चेक करें, अभी आज सही लग रहे काम वाले। ये ऐसा लग रहा है जैसे शादियों में नहीं जाते हम लोग और पीछे सामान कंबल वगैरह लेकर, है ना अभी शादियों में का जैसे कंबल वगैरह लेके जाते हैं। चले, मम्मा कहाँ है आपकी? हम लोग जी बारबेक्यू पार्टी पे आए हुए हैं और हमारे जो सेटअप है वो मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ किस तरह से है। गुल बाबा कम, गुल की लुक भी फाइनल दिखाती हूँ। गुल कम, दोनों माशाल्लाह से आज जो है ना पाकिस्तानी ड्रेस में है। चलो, और वहाँ पे जो है ना हस्बैंड लोग बारबेक्यू कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या बातें कर रहे हो गुल इसके साथ? जो बाबा को बोला आपकी गाड़ी देना, उनके पास है, उसको बस एक ही शौक टायर घुमाना। और जो वहाँ पे हमारा बारबेक्यू सेटअप बन गया है, ये देखें, ये बहुत जूम हो गया, सॉरी यहाँ तक काफ़ी है, ये चेक करें। यहाँ पे सारे भाई लोग जितने भी हैं ना वो सेटअप लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठ के बातें शातें करेंगे। आज हमारा
और जी यहाँ पे हमारी बारबेक्यू पार्टी जो है स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है कि जेंट्स अलग बैठते हैं, लेडीज़ अलग बैठती हैं, सेम हम लोगों का भी यही था कि जेंट्स जो है वो यहाँ पे काम करते हैं और हम लोग वो पीछे बैठे हुए थे। मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल दे दिया था कि वो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लें, क्योंकि पता चले कि हमारी बारबेक्यू पार्टी हुई है। और यहाँ पे जो है ना मेरी तकरीबन दोस्तें थी, उनके हस्बैंड थे, और मिलके हम लोगों ने पार्टी की है। सिर्फ वन डिश पार्टी थी जिसमें बारबेक्यू ही रखा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। साथ में हम लोगों ने खुबस वगैरह मंगवा लिए थे, कोक थी, पानी का जो पूरा कर्टन होता है वो लेकर आए थे। और ये वाला स्पेशल एरिया था, ग्रिल एरिया इसको कहते हैं। सऊदी में हर सिटी में ग्रिल एरिया होता है। ये जितनी भी आप ये बारबेक्यू का सेटअप देख रहे हैं ये ऑलरेडी लगा होता है, यानी कि इस लाइन में बहुत सारे सेटअप लगे हुए थे, हर किसी का अपना अपना सेट किया हुआ था और ये पहले से बना होता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगी है कि आपको सिर्फ बारबेक्यू का मसाला लगा के लाना होता है और सारा सेटअप जो है ना ऑलरेडी लगा होता है और आप जो है ना आराम से बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस जी यहाँ पे मर्द जो हैं वो साथ में बना भी रहे थे, साथ में खा भी रहे थे और हम लोग जो है ना बस वेट कर रहे थे। और बारबेक्यू का सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि मर्द लोग बनाते हैं और हम लोग सिर्फ बैठ के इंजॉय करते हैं। और जो मसाला लगाया था वो घर से लगा के लाए थे, भाई मुदस्से लगा के लाए थे, जो हमारे साथ आके रह रहे हैं, वो जो इस टाइम बारबेक्यू के बिल्कुल सामने खड़े हैं बना रहे हैं, वो हम लोगों के साथ आके रह रहे हैं। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि वो आप लोगों ने, तो हमारा बिल्कुल सेपरेट एरिया है, उनका बिल्कुल सेपरेट एरिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एक घर में हो गए। तो बस जी ये था हम लोगों की बारबेक्यू पार्टी। और आप लोग बताना कि आप लोग बारबेक्यू पार्टी कैसे करते हो, क्योंकि हमारा था कि ईद का तीसरा दिन है तो अच्छे से जो बारबेक्यू पार्टी है वो हो जाए। और बच्चे बच्चों के साथ खेल रहे थे, हम लोग अपनी बातें कर रहे थे, हस्बैंड लोग बना के साथ खा रहे थे। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे, बारबेक्यू पार्टी हमारी अच्छी लगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आज भी सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। और जी साथ में हस्बैंड की और बेटे की जो ड्रेसिंग थी वो दोबारा से मैंने ईद के थर्ड डे जो है ना सेम की थी, दरमियान में मैंने ब्लैक की थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि अब डेली रिकॉर्डिंग नहीं होती, मतलब एक दिन करती हूँ दूसरे दिन छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पे जो है अभी मैं आपको अपने हस्बैंड भी दिखाती हूँ, उनकी ड्रेसिंग भी दिखाती हूँ और गुल की तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसके बाद जाना था हम लोगों ने उमरा के लिए। हम लोगों का उमरा का प्लान था, उसकी तैयारियाँ करनी थी। मुझे इस बार था कि मुझे वाइट कलर का अबाया लेना है और बस अब उसके बाद हम लोग जाएंगे, कुछ अबाया वगैरह देखेंगे, कुछ उमरा की जो गुल के शूज़ वगैरह हैं, क्योंकि गुल हमीद का जो है फर्स्ट उमरा होने वाला था, तो उस सब की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। और लेडीज़ को इन्होंने इस तरह से पहले टिक्का जो है बोटी लेके दे दी थी, साथ में खुबस ले आए थे, कोक थी, साथ में चटनी हम लोग जो लेडीज़ थी घर से बना के लेकर आई थी, एक मैं बना के लाई थी और एक जो साथ में भाभी थी वो बना के लाई थी। तो हम लोग दो किस्म की चटनी बना के लाए थे और 5-6 फैमिलियों की ये पार्टी थी। हम लोग आए हैं 2020 शॉप। हाँ जी यहाँ पे अबाया खड़े थे, यहाँ से एक वाइट कलर का अबाया लेना है ताकि हम लोग उमरा करें ना तो वो अच्छा भी लगता है और मतलब आजकल ट्रेंड भी चल रहा है। धूप होती है ना, गर्म नहीं होता। तो ब्लैक में ना गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, इस वजह से सोच रहे वाइट वाला ले ले। तो 2020 है, लेडीज सेशन है, हस्बैंड को भी साथ लेके घूम रहा है। ये तो नाइटीज आ गई है, इधर ही अबाए देखे थे बड़ी औरतों के टाई है। ये क्या नंबर है इसका? 25 ये 25 है और वाइट में भी है, अहराम के नीचे वाइट ना। अच्छा यहाँ की क्वालिटी ये है कि ख़राब नहीं होती ना, हमारे ये है कि सर्दियों की वजह से पहले शूज़ लिए थे, अब गर्मियों की वजह से हम लोग चेंज कर रहे हैं और यहाँ की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, अच्छी रहती है। ये देखें जी ये सही है ना, ये अच्छा भी लग रहा है, उतर भी नहीं रहा, फिर बहुत प्यारा लग रहा है। ये ज्यादा प्यारा स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, वो ब्लैक अभी पहले भी पहनता रहा है ना, ये यूनिक लग रहा है थोड़ा सा। हम लोग जा रहे हैं अल शामिल और यहाँ से अबाया देखते हैं, शायद मिल जाए, अगर रिजनेबल प्राइस में मिला तो ले लेंगे, अगर नहीं मिला तो क्या जरूरत है इतना एक्सपेंसिव अबाया लेने की। लेट्स सी चलते हैं, होप फॉर बेस्ट। हम लोग आ गए हैं जी शामिल, शामिल के अंदर इन हो गए, अब आया सेशन में जाते हैं, देखते हैं हम लोग को मिलते हैं कि नहीं मिलते। बाहर खुश तो परवाह ही नहीं है, और शूज भी पहन लिया, खुश है बच्चा भाई। ये देखें एक अबाया मैंने पहना है, ये वाइट कलर में और साथ में ये ब्लू लाइट सा है, एक ये है इसके साथ। सबसे मजे की चीज़ है इसके दुपट्टे दो हैं,
एक ब्लू में भी है और एक व्हाइट में भी है। लेट्स सी, चेक करती हूँ। भाभी हटना थोड़ा सा, ये वाला भाया ठीक है ना। ये देखिए ये वाला भाया हम लोगों ने दिया, इसमें भी ब्लू शेड है। लेट्स सी, चलिए अभी ये रख ले। क्यों भाभी, ये अच्छा नहीं है, इसे मैं कह रहा हूँ। इसका भाभी, इसका दुपट्टा छोटा है, ये कि आपको वो नहीं लगती, गर्मी लगती है आपका अचानक, वो नहीं जो धूप पड़ने से गर्म होता है वो नहीं होगा इससे। इतनी खुशकी है, ये सब गोल इसने सर में डाल लिया सारा। गोल दिखाओ ना, बाबा को फोटो भेजते हैं, चेक करें। भाभी का ये सब गोल पकड़ के इसने डाल लिया सर में। और बस जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैं शूट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा आगे व्लॉग लंबा हो जाएगा तो इसको यही ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। बस मैं और मेरी भाभी जो साथ रहती हैं, आजकल इकट्ठा नाश्ता हो रहा है, इकट्ठा खाना हो रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस जी, इसी के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।